अल्फाज एयरकॉन में सभी को स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ अल्लाह ने आप लोगों को अच्छा ही रखा होगा। आज मैं एक नया वीडियो लाया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आप लोगों को मालूम ही है डाइकिन जो एसी का डाइकिन इन्वर्टर एसी का रिमोट के माध्यम से कैसे एरर कोड निकाला जा सकता है, लेकिन आज मैं जो दिखाऊंगा वो पैनासोनिक एसी का रिमोट के माध्यम से कैसे एरर कोड निकाला जा सकता है। कल मेरे पास एक कस्टमर का फ़ोन आया था, मेरा पर्सनल कस्टमर है, उसके पहले मैं इसके पहले भी काम कर चुका था। तो उसका पैनासोनिक का इन्वर्टर एसी है और कस्टमर का कहना है कि थोड़ा टाइम कूलिंग देता है और थोड़ा टाइम बाद कूलिंग देना बंद कर देता है और दो तीन घंटा बाद जो टाइमर का लाइट है वो ब्लिंकिंग करता है। तो आज मैं जाऊंगा, जाके रिमोट के माध्यम से एसी को पूछूंगा, बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम किधर है, और एसी मेरे को बताएगा एरर कोड के माध्यम से कि मेरा प्रॉब्लम इधर है। और मैं फिर अगर नॉर्मल गोली से ठीक हो गया, मेरे पास जो दवाई है उससे अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन के लिए लेके जाऊंगा ताई भाई के पास, वो हॉस्पिटल खोल के बैठा है, उसको देंगे, वो करेंगे ऑपरेशन। चलो मेरे साथ कस्टमर का प्लीज में, और देखते हैं मशीन में प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल गोली से ठीक होगा क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ कस्टमर का प्लेस में। गाइस हम लोग आ चुका हूँ कस्टमर का घर पे, अभी मैं एसी को चालू करके देखता हूँ एसी में प्रॉब्लम है क्या। तो चालू करने के बाद देखा हूँ कि मशीन में 4-5 मिनट बाद कूलिंग देना बंद कर दे रहा, मतलब पहले कूलिंग दे रहा, 3-4 मिनट कूलिंग देने के बाद बिल्कुल कूलिंग देना बंद कर दे रहा। तो अभी हम लोग इस रिमोट के माध्यम से इसको चेक करेंगे मशीन में कोड क्या आ रहा। तो रिमोट से चेक करने का जो सिस्टम यही है पैनासोनिक का, तो पहले क्या करने पड़ेगा, मशीन को मेरे को ऑफ कंडीशन में रखना पड़ेगा। ये जो मेरा रिमोट है ऑफ कंडीशन में है, और ये जो क्लॉक जो दिख रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर ये ब्लिंकिंग करेगा तो इसको क्लॉक का जो बटन है क्लॉक वाला दबाएंगे तो ये जो घड़ी है ये घड़ी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो अभी स्टेबल है, अभी रिमोट मेरे ऑफ कंडीशन में है। इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इधर एक चेक बटन है, चेक बटन को 3-4 सेकंड प्रेस करना पड़ेगा। मैं करता हूँ प्रेस, अभी मेरा आ गया कोड का। अभी कोड चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टाइमर का जो अप्स एंड डाउन का बटन है इसको प्रेस करना होता है। चलिए मैं प्रेस करता हूँ और एक एक करके कोड आ रहा, और ये रिमोट को मेरे को एसी को दिखाना होगा, ताकि जब भी एसी में वो लंबा सा बीप साउंड आएगा मतलब वही कोड है। अभी कोड देखिए F99, नीचे एफ ए और ऊपर 99 है। मैं फिर चेक करता हूँ, 98 97 96 95 में मेरा एसी बीप साउंड दे रहा। तो मैं साउंड आप लोगों को सुनाता हूँ, पहले इसको 96 कर लेता हूँ। देखिए मैं 95 करूँगा तो इधर बीप साउंड होगा, शायद आप लोग सुन पा रहे हो, क्योंकि 95 में बीप साउंड दे रहा। तो चलिए ढूंढ लेते हैं F95 का कोड का मतलब क्या होता है। अभी प्ले स्टोर में से मेरे को पैनासोनिक सर्विस गाइड ये ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा, पैनासोनिक सर्विस गाइड ये वाला ऐप्स बिल्कुल फ्री है, ये वाला ऐप्स को पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो गया है, अभी ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ। ये लैंग्वेज मांग रहा, इंग्लिश कर देता हूँ, कंफर्म, अलाउ करना होता है।
तो अभी क्या करना पड़ेगा, एग्री और कंफर्म करना होगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन आ गया रेसिडेंटियल एयर कंडीशन, इसको क्लिक कर लेता हूँ। इधर है एरर कोड लाइब्रेरी, तो अभी इसको क्लिक कर लेता हूँ। इधर मैं कोड सर्च भी कर सकता हूँ और जितना सारा एरर कोड है जो मोबाइल में दिखता है वो सब इसमें है। तो मेरा जो कोड था F95, चलो ढूंढ लेता हूँ। ये आ गया हमारा F95। क्या लिखा है, कूलिंग हाई प्रेशर एबनॉर्मलिटी, मतलब जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर है और ठीक ठाक प्रेशर नहीं हुआ, हाई मतलब ठीक से प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है। चलो ओपन कर लेता हूँ। इधर सब कुछ दिया हुआ है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एक नंबर में है आउटडोर पाइप टेम्परेचर राइज, मतलब आउटडोर का जो पाइप का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा। क्यों बढ़ जा रहा, हो सकता है कंडेंसर गंदा होगा या गैस ज़्यादा होगा या एसी के आजू बाजू में आग लग गया होगा। इसके वजह से टेम्परेचर राइज मतलब ज़्यादा हो रहा, और आउटडोर पाइप टेम्परेचर राइज ड्यू टू डीएक्टिव आउटडोर फैन मोटर, अगर फैन मोटर स्लो घूमेगा तो गैस का जो टेम्परेचर है और ज़्यादा होगा, वो भी हो सकता है। तीन में है आउटडोर पाइप टेम्परेचर राइज ड्यू टू डिफेक्टिव आउटडोर पाइप टेम्परेचर सेंसर, सेंसर भी वो ख़राब हो सकता है जो ठीक सेंस नहीं कर पा रहा है एक्यूरेट। चार पे है आउटडोर पाइप टेम्परेचर राइज ड्यू टू डीएक्टिव आउटडोर यूनिट पीसीबी, हाँ आउटडोर यूनिट का जो पीसीबी है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद सब दिया हुआ है, तो जो जो मैं काम कर सकता हूँ वो है कि कंडेंसर गंदा हो सकता है। चलो अब चेक करते हैं। तो आउटडोर में आने के बाद देखा हूँ मशीन में बहुत ही गंदा है, हो सकता है मे भी कि एक गंदगी के वजह से ही मशीन में वो F9 कोड शो कर रहा। तो चलिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक गंदगी को साफ करता हूँ, फिर देखता हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो मैं एक कंडेंसर को बहुत ही गंदा डस्ट है, तो इसको सफ़ा करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले जो फैन का जो फन ग्रिल है इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद जो फैन जो है वो फैन को भी निकाल लूँगा, फिर मोटर को प्लास्टिक से ढक देंगे। उसके बाद मैं जेट से पूरा कंडेंसर को वॉश करूँगा, तभी मेरा जो कंडेंसर है पूरा अच्छी तरह से सफ़ा होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं स्क्रू पहले ऊपर साइड में एक स्क्रू होता है, मैं पहले से उसको खोल लिया था, अब इसको सिर्फ राइट साइड में घुमाना है और इसको निकाल लेना है बस। ले ठीक है, पुश कर दे। ये जो मोटर है आउटडोर का, ये मोटर का जो नट है, ये नट खोलने का तरीका पूरा उल्टा है। नॉर्मली जो नट राइट साइड में टाइट होता है, लेकिन ये जो नट है ये उल्टा है, ये राइट साइड में खोलेगा लेफ्ट साइड में टाइट होगा। चलिए मैं नट खोल के फैन को निकाल लेता हूँ। अभी मेरा फैन ओपन हो गया है, अब इस मोटर को मैं प्लास्टिक से ढक देंगे, उसके बाद इसको इधर जेट मारेंगे, अच्छे से जेट वॉश करेंगे, फिर मशीन को चालू करके देखेंगे अब मेरा जो प्रॉब्लम था F9 कोड, मतलब जो 3-4 मिनट बाद जो मतलब पूरा सिस्टम ठंडा देना बंद हो जाता था, वो सॉल्व होता है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो, मैं मोटर को अच्छी तरह से प्लास्टिक से कवर कर लिया हूँ, अब इसमें हम जेट वॉश करेंगे। इसलिए मैं प्लास्टिक से कवर किया ताकि एक रिस्क हो जाता है, अगर मोटर में पानी चला जाएगा ना तो मेरा मोटर जल सकता है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। उसने देखा, अरे देखिए कितना गंदा निकल रहा, पूरा काला काला एकदम ड्रेन जैसा। एक मिनट देखा, बहुत ही गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा इसमें है। इस मशीन में आप लोग देख पा रहे हो कितना गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा, कितना गंदा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ।
गाइस मेरा काम बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आप लोग देख रहे हो मैं बहुत ही अच्छी तरह से भीग चुका हूँ। चलिए मैं अभी मेरा तो कंडीशन साफ हो गया है अच्छी तरह से। मैं जैसा था जो फैन ब्लेड उसको फिर लगा लेता हूँ, फिट कर लेता हूँ, फिर मशीन को चालू करके देखता हूँ मेरा जो प्रॉब्लम था मशीन जो 3 मिनट बाद जो ऑफ हो जा रहा था मैंने आउटडोर वो ठीक ठाक सॉल्व हुआ कि नहीं। चलिए देख लेते हैं इंडोर में जाके फिट करने के बाद। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो आउटडोर है पूरा अच्छी तरह से मैं फिटिंग कर लिया हूँ। अभी मैं इंडोर में जाऊँगा, जाके इंडोर को चालू करूँगा और देख लूँगा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर सॉल्व नहीं हुआ फिर ढूंढेंगे दूसरा कुछ सेंसर या पीसीबी, फिर चेक करेंगे उसमें प्रॉब्लम है क्या। पहले मैं जाके चालू कर लेता हूँ, लेकिन चालू करने से पहले तो मशीन चालू करने के पहले देख पा रहा हो कि सनसेट में भी बहुत ही गंदा है, पहले से गंदा था। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मेरा 2 मिनट लगेगा इस जेट पंप की मदद से इस गंदाई को मैं साफा कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस और अच्छा होगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, बस 2 मिनट लगेगा, मेरा 2 मिनट वेस्टेज होगा। चलिए पहले ये कर लेते हैं फिर इंडोर में जाके इंडोर को चालू करते हैं। तो ये जो सनसेट है इसको भी मैं जेट से वॉश कर दिया हूँ, अब ये दिखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम है कस्टमर का एक्सपीरियंस, कस्टमर का जो फीडबैक है वो लेने के लिए, कोई बात नहीं इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो कस्टमर ज़रूर मेरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर चलो जाते हैं इंडोर में, इंडोर में जाके इंडोर को चालू करता हूँ, फिर देखता हूँ जो मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो गाइस हम लोग इंडोर में आके एसी को पहले चालू कर लिया हूँ, अभी 10 मिनट हो गया, एकदम ठीक ठाक कूलिंग दे रहा। तो मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था मशीन में F95 आउटडोर में गंदगी की वजह से आउटडोर ऑफ हो जा रहा था, तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे एक नेक्स्ट काम में, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेके, दूसरा मज़ेदार टॉपिक लेके। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं जब भी मैं नया ऐसा मज़ेदार इंटरेस्टिंग वाला वीडियो अपलोड करूँगा फर्स्ट पहले आपके पास ही जाएगा। थैंक यू।